हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा चावल रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, मेरे बहुत टेस्टी बनता है। राजमा हर किसी को बहुत ही पसंद आती है, बट वेस्टर्न स्टाइल राजमा कैसे बनाया जाता है ये मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए राजमा रेसिपी को शुरू करते हैं। और हमेशा तरह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद हो तो मेरे वीडियो में से लाइक बटन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यहाँ पर मैंने लिया 1 कप राजमा। इसे रात भर भिगो कर रखा था और अच्छे से धोकर रखा। आपके पास कोई भी टाइम नहीं था, आप कम से कम 8 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दें। यहाँ पर मैंने लिया प्रेशर कुकर, इसके अंदर राजमा को डाल दें। अब इसके अंदर डाल देंगे 4 to 5 कप पानी। पानी हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि बासे हुए पानी से हम ग्रेवी बनाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। इसे ढककर 5 to 6 whistle आने तक इसे कुक करना है। तो यहाँ पर 6 सीटी लग गया है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम बंद और इसे स्टीम खत्म होने तक ऐसे ही रहने दे। यहाँ पर मैंने लिया 1 कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 teaspoon कुकिंग ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1 teaspoon जीरा, 6 से 7 काली मिर्ची, इसे कुछ दिन के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 onion, इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्ची, इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चा पानी निकल जाए। इसके अंदर डाल देंगे 1 टमाटर, मिला दे अच्छे से। इसके अंदर डाल देंगे 1/4 नमक, मिला दे अच्छे से। अब इसे ढक कर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करना है। 2 मिनट बाद ढक्कन खोल दिया और हमें करना है टमाटर को मैश। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से गल गया। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद हमें इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाता है हमें तुरंत गैस का फ्लेम लो कर देंगे। साथ साथ इसके अंदर डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 2 टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, अच्छे से मिला दे। तुरंत हमें मसाला पेस्ट डालना है ताकि मिर्ची जले ना जाए। मिला दे अच्छे से। अब इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, अच्छे से मिला दे।
अब इसके अंदर डाल देंगे बॉइल्ड राजमा, इसे मसाला के साथ अच्छे से मिला दे। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी, इसे ढककर 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 3 से 4 मिनट के बाद इसे मिलाते रहे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, मिला दे अच्छे से। कुक करने के टाइम मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि हम पहले ही नमक डाला था, आप आपको टेस्ट अनुसार नमक डाल दे। राजमा बिल्कुल रेडी। अब हमें करना है गैस का फ्लेम बंद और इसे सर्व कर देंगे। राजमा चावल के बिना अधूरे रहते हैं। इसे आप गर्मा गर्म फुलका के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।